मुद्दे की बात ये है कि आपकी बहन और मेरे भाई की शादी के लिए हम दोनों की फैमिलीज का मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम कल पहुंच जाएंगे टाइम पर। जी, तो वो लोग कल आ रहे हैं? हाँ दी, लेकिन घर के लिए भी तो कुछ। कभी कभी घर और परिवार के ऊपर अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए। आइए ना आप मिस्टर राम। प्लीज आप लोग जाइए, मैं बाद में आ जाएंगे। सच कितना अच्छा लगता है तुम दोनों को एक साथ देखकर। गॉड ब्लेस यू बोथ, शादी में जरूर बुलाना। निहारिका जी, वैसे आपकी नताशा और हमारा घर दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी नताशा भी फैशन वर्ल्ड से है और मैं खुद भी फैशन वर्ल्ड से हूँ। एक जमाने में मैं मिस भुवनेश्वर रह चुकी हूँ और अगर मौका मिलता तो मिस इंडिया भी बन जाती। पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाती, जैसे टीना अंबानी। निहारिका जी, वैसे तो आप नीता को जानती होंगी ना? अब नीता अंबानी कितनी पतली हो गई है। हाँ, ये सब डाइट का असर है। वैसे हमारे घर में भी ना ऑयली खाना, नो 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 नो, ऑयली खाना नहीं बनता। I will prefer only continental. हाँ, आपके लिए भी वही मंगवाया है हमने। हाँ, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। प्रिया, जाके स्नैक्स लेकर आओ। हाँ, निहारिका जी, वो मैंने आपको page 3 में देखा था। आपने बड़ा ही प्यारा डिजाइनर सूट पहना हुआ था। वाह, मुझे तो बहुत पसंद आया। वैसे मैंने भी वैसे का वैसा ही बनवाया हुआ है, लेकिन अब आजकल के टेलर्स को तो आप जानती हैं, बिल्कुल वो फिटिंग विटिंग और साइज प्रॉपर बनाते ही नहीं है। थैंक यू। मुझे प्यास नहीं। अरे ये बहुत अच्छा है, ये कहाँ से मंगाया आपने? जी वो दरअसल जी ये घर पर ही बने हैं, मेरी बड़ी बेटी ने बनाए हैं। बड़ी बेटी? मुझे तो लगा था कि जी हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी और सबसे काबिल बेटी है। लिटरेचर में डबल एमए किया है इसने। Really? Hey, that's great. अगर आप लोगों को कोई एतराज नहीं है तो मैं कार्तिक से बात करना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि शादी लगभग तय है। There are few things that I'd like to clear. अभी इसी वक्त अक्रॉस द टेबल क्लियर करना चाहूंगा। शादी के बाद तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं जानता हूँ, एंड आई एम ओके विद दैट। जैसे कि तुम जानते हो, मेरी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं। मैंने सोचा कि उनमें से 2 मैं तुम्हें दे दूंगा, यू कैन रन देम। बट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा होगा दैट फैक्ट्रीज की मालकिन नताशा कपूर होंगी, उनके नाम पे होगी फैक्ट्रीज। यू विल बी द ऑफिशियल केयरटेकर। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि शायद ये सब सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, बट प्लीज फॉरगिव मी, मैं भाई हूँ और मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी बहन को सिक्योर करना। मम्मा, भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं?
बात करने दे, नट्स के फायदे की ही बात कर रहा है, ओके? तुम बताओ कब स्टार्ट करना चाहोगे? आप लोग यहाँ पर आए, थैंक्स, बट सॉरी टू से मैं शादी नहीं कर सकता। ये तो क्या कह रहा है कार्तिक? एक मिनट मैम, लेट मी कंप्लीट। मिस्टर राम, प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। ये सच है कि मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, और शायद ये भी कि वो अकेली लड़की है इस दुनिया में जिससे मैं शादी करना चाहूंगा। और हाँ, इसके लिए आपको मुझे सेटल नहीं करना पड़ेगा। मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं अपना मुकाम खुद हासिल कर सकूं। माना कि मैं अभी आपकी बहन को वो सारी खुशियां, वो सारे ऐशो आराम ना दे पाऊं, पर हाँ, आने वाले फ्यूचर में जरूर दे सकता हूं और दूंगा, क्योंकि वो मेरा सच्चा प्यार है। हाँ, वो थोड़ी सी पागल जरूर है, पर मैंने और मेरे दिल ने उसके पागलपन के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए अगर हमारी शादी हो भी जाती तो मैं आपसे कुछ नहीं लेता। कार्तिक बेटा, ये तो कोई वजह न हुई शादी ना करने की। मिस्टर राम, ये आजकल के बच्चे न जाने क्या क्या विचार लेके बैठ जाते हैं अपने दिमाग में। अब इसने MBA क्या कर लिया कि ये उसके आदर्श और उसूल? आप चिंता मत करिए, मैं समझा दूंगी इसे। नहीं माँ, मेरी शादी ना करने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, और भी एक वजह है। क्या? जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होगी, मैं शादी नहीं करूंगा। कार्तिक, प्रिया की शादी से तेरी शादी का क्या लेना देना? लेना है माँ। प्रिया दी मेरी वो बहन है जिन्होंने अपनी एक एक खुशियों को त्याग करके हमें खुशियां दी। अगर वो चाहती तो 25 साल में शादी करके सेटल हो जाती, पर नहीं, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं द राम कपूर के सामने सर ऊंचा करके बात कर सकूं। आज जो भी मैं हूं ना, इन्हीं की वजह से। उन्होंने हमेशा हमारे बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा, अब वक्त आ गया है कि मैं उनके बारे में सोचूं। अगर आज मैं सेल्फिश होके शादी के लिए हाँ कर दूँ ना, तो मैं कभी अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगा। लेकिन कार्तिक बेटा, प्रिया की शादी तो बाद में भी हो सकती है ना? नहीं माँ, मेरी बड़ी बहन के रहते अगर मैं शादी कर लूँ तो लोग तो यही सोचेंगे ना कि मेरी बहन में कोई प्रॉब्लम है जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सर, मुझ पर मेरी बहन की जिम्मेदारी है, और जब तक ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, मैं आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता। मैं आपसे ये जरूर वादा करता हूं कि जिस दिन मेरी बहन की शादी हो जाएगी, उस दिन मैं खुद आके आपसे आपकी बहन का हाथ मांगूंगा, और सिर्फ हाथ। मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। आप लोगों के बारे में मैंने अपने दिमाग में बहुत गलत इमेज बना कर रखी थी, एक्सीडेंट की वजह से, और फिर
नताशा का सुसाइड अटेम्प्ट, मैंने डिसाइड कर लिया था कि आप लोग मेरी बहन के काबिल कभी हो ही नहीं सकते। इनफैक्ट मैं यहाँ पर बिजनेस डील करने आया था, थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी मेरे अंदर, लेकिन आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम फीलिंग सो प्राउड, मेरी बहन ने अपने लिए एक ऐसा लड़का चुना है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश करता मैं उसके लिए ऐसा लड़का नहीं चुन पाता। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। जो लड़का अपने आप से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोच सकता है वो लड़का बुरा हो ही नहीं सकता, और ये संस्कार इसे आप लोगों ने दिए, इसलिए आप लोग बुरे हो ही नहीं सकते। आई एम सो सो सॉरी। तुम्हारी बहन के बारे में तुम्हारी सोच देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बहन को बहुत खुश रखो। I'm sorry I misjudged you. तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास है और उस जिम्मेदारी को निभाने की काबिलियत है। आज मैं राम कपूर तुमसे वादा करता हूं, जब तक तुम्हारी बहन की शादी नहीं होती मेरी बहन तुम्हारा इंतजार करेगी। और हाँ, अपनी बहन के बारे में चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसके लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढूंगा। नट्स? नट्स कहाँ? अरे अभी यहीं तो। इंदर, छोटी माँ पर आई थी नीचे, अकेली चली गई, मतलब छोटी अकेली चली गई। I'm sorry, हमें जाना चाहिए। I'm sorry. आप हमें कार्तिक की बहन की शादी के होने का इंतजार करना पड़ेगा। For nuts to get married, how funny. Because we don't have that kind of time. And you know nuts, वो और किसी लड़के से शादी करेगी नहीं। Now what? Ram, I'm talking to you. Sorry, maam, मैं संभाल लूँगा ना। Everything will be fine. I'll handle it ना। पहले छोटी को ढूँढ तो लेते हैं। She's not even answering her phone. I just hope she's okay. ये सब क्या है कार्तिक? ये क्या कह दिया तूने सबके सामने? कुछ गलत नहीं कहा है। जो कहा है सही कहा है और सोच समझ कर कहा है। अरे क्या सोच समझ के कहा है कार्तिक? जब तक दी की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। कार्तिक प्लीज, पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है इस बात की कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी और तेरी तरक्की रुक गई। ऐसा कुछ नहीं है दी, और दी इसमें आपके शर्मिंदा होने की बात कहां से आ गई? शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए, आपने हमेशा हमारे परिवार के बारे में सोचा, जो किया हमारे परिवार के लिए किया, अपनी पूरी जिंदगी अपनी पूरी खुशी हमें दे दी। आज जब मैं इस खुशी को लौटाना चाह रहा हूँ तो अरे ये लेन देन और हिसाब किताब रिश्तों में कहां से आ गया यार कार्तिक? मैंने जो कुछ भी किया है अपने परिवार के लिए किया है, उससे मुझे खुशी मिलती है, लेकिन उसके बदले में मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। इस घर की बेटी होने के नाते फर्ज बनता है मेरा। मैं भी तो इस घर का बेटा हूँ ना, भाई होने के नाते मेरा भी तो कोई फर्ज है, मुझे भी तो ये फर्ज निभाने दो थी। हाँ तो निभाना कार्तिक, मैंने कब मना किया? लेकिन उसके लिए मेरी शादी को बीच में मत ला यार कार्तिक। कोई लड़की सिंगल नहीं रह सकती क्या? मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकती क्या? अरे मैं जैसी हूँ खुश हूँ कार्तिक, बिना शादी के आज तक मैंने इज्जत भरी जिंदगी बिताई है कार्तिक, और मैं आगे भी बिता सकती हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? दी बात बोल कार्तिक, पापा जिससे कहेंगे जब कहेंगे मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए ये
शर्ते वर्ते इसकी क्या जरूरत है कार्तिक? डोंट मेक मी फील लाइक प्रिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज इतना बड़ा रिश्ता खुद चलकर हमारे दरवाजे से वापस चला भी गया। सब सब तेरी वजह से। तूने शादी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। अगर तूने आज शादी कर ली होती ना तो ये सब नहीं होता। माँ तुम ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मैं। शिप्रा, तुम अपनी जुबान पे काबू नहीं रख सकती? तुम प्रिया से इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? क्या करूं मैं? ये लड़की तो कुछ समझती नहीं। अब इसके लिए बड़े खानदान के पढ़े लिखे और कुंवारे लड़कों का रिश्ता नहीं आ सकता। सुधी, इसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा और हमें भी। मैं जानती हूं कि मैं प्रिया पर बेवजह गुस्सा होती हूं, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। आज मेरे बच्चों का फ्यूचर बनते बनते रह गया। मैं मानती हूं कि इसमें प्रिया की गलती नहीं है, मेरा झगड़ा भगवान से है। भगवान से है। मानो या न मानो शिप्रा, लेकिन मेरा भगवान पर पूरा भरोसा है। उसने हमारी बच्ची की जिंदगी के लिए जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। देखना शिप्रा, इस दुनिया में एक ना एक ऐसा खुशनसीब इंसान जरूर होगा जिसके भाग्य में हमारी प्रिया का साथ लिखा होगा। देख लेना, ऐसा ही होगा शिप्रा। छोटी, क्या तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? व्हाट इज द मैटर? आप लोग प्लीज इसको समझाओ यार, आई एम टायर्ड। नट्स बेटा, व्हाट्स हैपनिंग? क्यों पैकिंग कर रही हो? वेयर डू यू वांट टू गो? कहां जाना है? नट्स विल यू स्पीक अप? अब क्या नया चल रहा है तेरे दिमाग में? नट्स, नट्स टेल अस समथिंग। बेबी कहां जाना है इतना तो बता दो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू नट्स? मम्मी ये सब ठीक है। एक मिनट छोटी, ये क्या है? तू लंदन जा रही? लंदन? आप लोग लंदन के बारे में ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं यार? छोटी, व्हाट इज गोइंग ऑन यार? कुछ कुछ बताना। लंदन, इस लड़की का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। मम्मा, फिर आप लंदन का नाम सुनकर इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो? बिकॉज आई केयर फॉर माई चाइल्ड, दैट इज वाई। तुम्हें याद है ना, पिछली बार जब ये लंदन गई थी तो ड्रग एडिक्ट बन के लौटी थी। इस बार इतनी फ्रस्ट्रेशन के साथ जा रही है। She do the same thing again. क्या अब तू लंदन क्यों जा रही है? Look at me. Look at me. What is wrong with you? मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है? अपने भाई पर भरोसा नहीं है तुझे? वो भरोसा क्यों करेगी? I mean, Ram, think about it. जब तक कार्तिक की बहन की शादी नहीं होती, इसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों ये सजा क्यों भुगतेगी? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि तुम उसकी हर बात कैसे मानते चले गए। और तुम खुद सोचो,
अगर कार्तिक की बहन की शादी सारी जिंदगी नहीं होती है तो क्या मेरी बेटी भी सारी जिंदगी इस घर में ऐसे बैठी रहेगी? माँ ऐसा कुछ नहीं होगा छोटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई मीन कम ऑन यार छोटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जो भी बोला है वहां पर सोच समझ कर बोला है। यू हैव फेथ इन मी ना? प्लीज अपने भाई पर भरोसा रख, थोड़ा सा वक्त दे मुझे, मैं उस लड़की के लिए एक अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ निकालूंगा। प्लीज प्लीज जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। आई प्रॉमिस यू छोटी, आई प्रॉमिस यू प्लीज। हम तूने प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं जितना तेरे को लग रहा है। इतना मुश्किल भी नहीं है, ट्रस्ट मी। तू भूल रहा है कि बात किसे कर रहा है। जो इंसान होम मिनिस्टर के लिए 9 मिनट में हेलीकॉप्टर अरेंज कर सकता है, वो इंसान एक लड़की के लिए दूल्हा नहीं ढूंढ सकता? कम ऑन यार। सर नहीं ढूंढ सकता ना। राम, देख जितना मैंने प्रिया के बारे में समझा है ना, वो एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की लगती है। And obviously वो चाहेगी कि उसका जीवन साथी भी उसी की तरह सुलझा हुआ। ऐसे लोग 9 मिनट में नहीं मिलते हैं ना। तू मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहा है। राम मैं तुझे अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे सिर्फ समझा रहा हूं। तू तो किसी के लिए हेलीकॉप्टर नहीं अरेंज कर रहा, तू तो एक लड़की के लिए उसका लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है। राम, हो सकता है उस लड़की की सारी उम्मीदें सारे सपने इस आदमी से जुड़े। मैं किसी मर्जी से किसी शख्स को उसके ऊपर नहीं थोप सकता यार। तू खुद भी तो ऐसी एक लड़की की वेट कर रहा है ना, जो तुझे समझे, तुझे प्यार करे। तो हो सकता है वो भी ऐसे किसी आदमी की वेट कर रही हो। सोच के देख रहा, नताशा के लिए तू किसी ऐरे गहरे लड़के को नहीं ढूंढ सकता, तो कार्तिक भी किसी भी लड़की से अपनी बहन की शादी क्यों करेगा यार? कोई तो चाहेगा ना कि उसकी बहन की शादी किसी ऐसे आदमी से हो जिसके साथ वो पूरी उम्र अच्छे से रह सके। सब कुछ करके भी मैं क्यों अपने परिवार को खुश नहीं कर पा रही? क्यों मेरी ही वजह से उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे? कभी ऐसा क्यों होता है कि हम जिस बात को दिलो जान से पूरा करना चाहते हैं वही हमारी वजह से पूरी होते होते रह जाती है? अगर तुमने आज शादी कर ली होती ना तो ये सब नहीं होता। मुझको मिली ये सजा शादी नहीं हो जाती, कार्तिक भी शादी नहीं करेगा। और पता नहीं मुझे कभी कोई मिलेगा भी या नहीं। Nothing is impossible for Ram Kapoor. जो मुझे चाहिए मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगा। प्रिया के लिए लड़का जरूर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.